मैम आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, मल्टीप्लिकेशन। अरे मैम नहीं नहीं ऐसे नहीं मैम, ये तो बहुत पुराना मेथड हो गया। ये चार नंबर है, मात्र 4 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए क्या करना है आपको, लास्ट वाला नंबर ऐसे ही लिख देना है, ये फर्स्ट नंबर ऐसे ही लिख देना है। 11 से जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर का फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर आपको एज इट इज लिख देना है। अब आपको 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है, 1 और 3 कितना होता है, 4। मैम ये आंसर आ गया आपका, आई होप आपको जी। तो अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का करके। 3 as it is जी, 1 as it is, 2 और 3 5 जी, 4 और 2 6, 3 और 4 7। वेरी गुड मैम, आपको तो आ गया बहुत आसानी से। तो क्या बच्चों की समझ में भी आ गया है? तो अगर आपको ये आ गया है तो इसका आंसर आप होमवर्क में